नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्हार संत ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक सुखद यात्रा का अनुभव और एक भव्य दिव्य संस्थान जो कि स्थित है महाराष्ट्र में नेवासा के पास, श्री क्षेत्र देवगढ़ मंदिर। एक सुखद पवित्र स्थान जो आपको दिव्य अनुभव देगा। यह मंदिर श्री दत्त मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण श्री समर्थ सदगुरु किशनगिरी बाबा ने किया है। आधुनिक समय के महान संत श्री समर्थ सदगुरु किशनगिरी बाबा का जन्म 1907 में देवगढ़ के पास गोदेगांव में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत गुणी और आध्यात्मिक थे। वह अत्यंत मननशील भक्त एवं पवित्र व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव समाज के हित के बारे में सोचा। किशनगिरी बाबा भगवान शंकर के परम पुजारी थे। उन्होंने प्रवरा नदी के तट पर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तपस्या की सिद्धि के बाद वे आए गोदेगांव और ग्रामीण आबादी के साथ मेलजोल बढ़ाया। उन्होंने तपस्या से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और आध्यात्मिक गुरु बन गए। उन्होंने धार्मिक जनता को चार पवित्र स्थानों यानी चार धाम की तीर्थ यात्रा के लिए जाने की सलाह दी। उन्होंने श्री दत्त प्रभु के मंदिर के साथ साथ देवगढ़ संस्थान की स्थापना की। प्रख्यात संत ज्ञानेश्वर माउली ने श्री भगवद गीता का तात्पर्य बताया जो पिछली शताब्दी का संस्कृत से प्राकृत मराठी में अनुवाद है। इसका नाम ज्ञानेश्वरी रखा गया है। वह स्थान जहाँ ज्ञानेश्वरी की रचना हुई थी प्रवर के तट पर नेवासा है। किशनगिरी बाबा ने जीवन भर गीता और ज्ञानेश्वरी इसी शिक्षा का अभ्यास किया। उन्होंने अपना जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। दत्त मंदिर देवगढ़ एक पवित्र स्थान पृथ्वी पर स्वर्ग है। देवगढ़ के परिसर में भगवान दत्त का मंदिर मुख्य एवं सर्वाधिक आकर्षक है। इसका निर्माण नक्काशीदार पत्थरों से किया गया है। संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग बहुत ही कलात्मक ढंग से किया जाता है। 4 फीट का सुनहरा भव्य टॉप अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देता है। किशनगिरी बाबा जैसी महान आत्माओं को देवता का अवतार माना जाता है। वे आम व्यक्तियों की तरह पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में परोपकार का उत्कृष्ट कार्य किया। फिर प्राण ऐसे त्याग दो जैसे वह पूर्व निर्धारित हो। ऐसे संत भले ही सशरीर गायब हो जाते हैं, लेकिन उनके यादगार कार्य शिष्यों को प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक भक्त पवित्र समाधि के समक्ष श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार अद्भुत है और यह मंदिर की भव्यता को बढ़ाता है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त यहाँ कुछ देर रुकते हैं और मंदिर में महान द्वार के दर्शन करते हैं। यहाँ के सबसे आकर्षक गुंबद देखा जा सकता है। यह मुख्य प्रवेश द्वार भक्तों को आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में मदद करता है। सर्वशक्तिमान सदगुरु किशनगिरी बाबा ने देवगढ़ को परम पूज्य भास्कर गिरी महाराज को सौंप दिया, जो गुरु भक्ति के आदर्श है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण उन शिष्यों को सक्षम बनाता है जो यह महसूस करते हैं कि जो कुछ भी है वह सदगुरु का है। जो कुछ भी करना है वह सदगुरु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। यह सदगुरु की महान कृपा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी महान दया के स्वामी सदगुरु भास्कर गिरी महाराज कृपा पूर्वक देवगढ़ की प्रसिद्धि और प्रशंसा में वृद्धि कर रहे हैं। सदगुरु की महती कृपा से परम पूज्य भास्कर गिरी ने देवगढ़ बनाने का महान कार्य किया है। एक ऐसा स्थान जो लाखों भक्तों के मन में बहुत सम्मान रखता है।
एक ऐसा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध स्थान जहां हर आगंतुक को सांत्वना और भारी आनंद मिलेगा। परम आदरणीय भास्कर गिरी महाराज जो प्रभावी ढंग से पवित्र स्थानों की यात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका की वकालत करते हैं, इस संबंध में सकारात्मक रूप से सक्रिय रहने वाले लोगों का विकास लाखों लोगों के दिलों में उच्च सम्मान रखता है। परम आदरणीय भास्कर गिरी महाराज का आध्यात्म के साथ साथ आधुनिक विचारों में भी गहरा विश्वास है। उन्होंने मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है के आदर्श की भविष्यवाणी करते हुए आराध्य देव की अवधारणा को व्यापक रूप देते हुए इसे नया रूप दिया है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखना और उसकी विचारधारा के अनुसार कार्य करना, इस प्रकार उन्होंने मानवता की सेवा को एक नया आदर्श दिया है। साधु संतों का सत्संग स्थानों को पवित्र बनाता है। जब इन पवित्र स्थानों को पवित्र जल की शक्ति मिलती है तो ये पवित्र जल पवित्र स्थान में बदल जाते हैं। पवित्र जल की यह धारा आध्यात्मिक जीवन में समृद्धि का संदेश देती है। साधु संतों के आध्यात्मिक विषय पर उपदेश और मार्गदर्शन से उचित दिशा मिलती है। देवगढ़ एक प्रकार का पवित्र जल पवित्र स्थान है। प्रवरा नदी का तल इस पवित्र स्थान को महिमा देता है, जहां लोग संत किशनगिरी बाबा की सलाह का पालन करते हैं। प्रवरा नदी का पथरीला किनारा, इसके किनारे के पेड़, इस नदी का विशाल तल जहां नौकायान किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें प्रकृति के साथ साथ मित्रता विकसित करती है। मंदिर के तल पर प्रवरा नदी बहती है। देवगढ़ में पवित्र जलधारा और प्रकृति की सुंदरता का विचित्र दृश्य देखने को मिलता है। सद्गुरु की इच्छा के अनुसार देवगढ़ के परिसर में श्री दत्त मंदिर के बाई ओर पंचमुखी सिद्धेश्वर का मंदिर है। भक्त श्री सिद्धेश्वर के दर्शन ले सकते हैं, जो सभी सच्चे दाता है। इच्छाएं श्री कार्तिक स्वामी और माता पार्वती की इस मंदिर में इन देवताओं का आध्यात्मिक अस्तित्व परिसर को समृद्ध बनाता है और आध्यात्मिक सद्भाव और आध्यात्मिक वातावरण का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। छोटा लेकिन सुंदर सिद्धेश्वर मंदिर मूर्तियों की आध्यात्मिक सुंदरता के कारण और अधिक आकर्षित हो जाता है। श्री क्षेत्र देवगढ़ संस्थान का दत्त मंदिर का महाद्वार, भव्य प्रवेश द्वार श्री क्षेत्र देवगढ़ क्षेत्र में भव्य मंदिरों का आभास कराता है। यह जीवन का वास्तविक अर्थ बताते वाले क्षेत्र में प्रवेश करने का एक भव्य, आसान, महान और सरल तरीका है। मंदिर के साथ ही साथ भक्त निवास भी यहाँ पर है। भक्त ऐसे स्थान पर सत्संग प्राप्त करने और जीवन की पूर्णता की ओर जाने वाले मार्गों का पता लगाने के लिए आते हैं। जब शिष्यों को सुख सुविधा के साधन मिलते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। दत्त मंदिर संस्थान की राय है कि भक्तों को आरामदायक आवास, साधना के लिए अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। भक्तों और आगंतुकों की संख्या में लगातार वृद्धि और उनके आवास की आवश्यकता को देखते हुए संस्थान ने एक 5 सितारा भवन का निर्माण किया है, जिसमें एक समय में 1000 भक्तों को आवास प्रदान करने वाले 75 आरामदायक कमरे उपलब्ध हैं। इसी भवन में एक बड़ा डाइनिंग हॉल, एक रिसेप्शन हॉल और एक मेडिटेशन हॉल भी है उपलब्ध है। इसके अलावा संस्थान में हाल ही में कल्याण मंडप और यात्री निवास नाम से और एक बड़ा हॉल बनाया है और एक हॉल निर्माणाधीन है। अब जो लोग ध्यान और सेवा के लिए देवगढ़ में आना और रहना चाहते हैं, उन्हें एक पवित्र, शांत और आरामदायक आवास मिल सकता है।
कृपया ध्यान दें कि भक्त निवास के लिए कोई ऑनलाइन बुकिंग सुविधा नहीं है। मंदिर में भक्त निवास है जहां आपको नाम मात्र कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाले कमरे मिल सकते हैं। यह मंदिर दर्शनार्थियों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। तो दोस्तों, ये था देवगढ़ संस्थान के बारे में मनमोहक दृश्य। जल्द ही मिलेंगे एक नए स्थान पे, नई यात्रा में। तो ये यात्रा देखने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे साथ एक नई यात्रा देख सको।